नादेर से हैं। रमेश जी स्वागत है आपका। हेलो जी सर। हाँ रमेश खेरकर बोल रहा हूँ नागपुर से मैडम। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आदाब जय हिंद स्वागत। हाँ इससे पहले भी आपसे बात हुई थी अतिन साहब। जी और मिसेज के बारे में बताया था घुटने में उनसे तकलीफ था तो आपने जो दवाई बताई थी कुछ उसका क्या नाम है गौन सी है सर। हाँ गौन सी ये प्याज और इसके लिए कुछ और कौन सा गौन मोरिंगा और जैतून सिरका मंगाया था मैं सर। तबीयत कैसी है आपकी पत्नी की? लेकिन ये दवाई कैसे लेना ये कुछ उसमें भेजा नहीं था उसमें देना। देखिए जो गौन सिया है काला काला गौन इसको पाउडर बना लें और आधा आधा ग्राम खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से खाने के बाद लें दो बार नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। ये इनके जोड़ों के दर्द के लिए कमर में दर्द हो नसों में हो कहीं भी दर्द हो मेरी अनुभव में इससे बेहतर कोई नुस्खा रॉ मटेरियल में नहीं है। आप इन्हें देना शुरू करें आधा आधा ग्राम गौन सिया गौन मोरिंगा एक ग्राम बस लेते हैं एक साथ भी ले सकते हैं और ये पानी में मिलाकर दूध में मिलाकर थोड़े से या नारियल पानी के साथ जैसे आपके हालात हैं आप ले सकते हैं बस एक बार एक ग्राम। जो बालिग लोग हैं यानी जो 18 20 22 साल से ज़्यादा के हैं वो एक ग्राम ले सकते हैं रोज़ाना और जैतून का सिरका अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक बार या दो बार दो दो चम्मच पीना बेहतर है खाने के बाद पीना बेहतर है जी।